हेलो गाइज, गुड इवनिंग। मैं हूँ सौम्या, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। देखिए अभी इवनिंग को ना मैं इधर मिल्क बॉयल कर रही हूँ। देखिए अभी अच्छे से बॉयल हो गया है। देखिए इधर ना बेटी के लिए मैं थोड़ा सा मैगी बना रही हूँ। मतलब मैगी वो हम मतलब ज़्यादा टाइम नहीं खाती है, महीने में 2-3 बार खाती है। तो इसलिए आज जिद किया कि मामा मेरे लिए थोड़ा सा मैगी बना दो। तो मैगी में कुछ नहीं, मतलब थोड़ा सा जितना पानी चाहिए ना उतना ही डाल दिया और मैगी मसाला डाल दिया, और जितना वो मैगी खाएगी उतना ही मैंने डाल दिया। अभी थोड़ा सा वो बॉयल होने के बाद ना मैं उसको दे दूँगी, वो खाएगी। देखिए अभी मैगी हो गया, एक प्लेट को मैं निकाल रही हूँ, उसको दे दूँगी, वो खाएगी। देखिए इधर मैंने रात के लिए डिनर बना रही हूँ। मतलब आज जो गोभी मसाला बनाऊँगी तो गोभी, उसके लिए गोभी कट कर रही हूँ। देखिए मैंने पानी में ना थोड़ा सा हल्दी डाल दिया, मतलब उसमें जो भी कुछ कीड़ा वगैरह रहेगा वो सब निकल जाएगा, कीड़ा वगैरह सब मर जाएंगे। इसलिए मैंने थोड़ा सा हल्दी डाल के ना वही पानी में मिला, मतलब हल्दी थोड़ा सा डाल के ना वही जो उसमें गोभी डाल दिया और उसको ना 10-15 मिनट तक रख दिया। और इधर देखिए मैंने थोड़ा सा तेल लेके ना, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा तेल लेके ना मैं इधर गोभी को सटे कर रही हूँ, और उसको का उसको निकल निकल के ना मैं करी बनाऊँगी। देखिए अभी अच्छे से फ्राई हो गया, मतलब थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो गया। अभी मैं उसको निकाल दूँगी और उसके बाद ना करी बनाऊँगी। देखिए जो फ्राई होने के बाद ना वही कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया, और उसके बाद ना एक तेज़पत्ता डाल दिया, और उसके बाद ना मैंने बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया। उसको ना अभी भुनना है, मतलब थोड़ा ब्राउन होने तक उसको भुनना है। देखिए भुनने के बाद ना अदरक लहसुन का पेस्ट अभी मैं डाल रही हूँ। उसके बाद ना जो बेसिक जो रहता है ना नमक, मतलब मैंने 3 चम्मच नमक लिया है, और 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मैंने जो रेड चिल्ली पाउडर, और थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर लेने का है। देखिए वो मसाले को अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया है, और उसके बाद ना बारीक कटा हुआ टमाटर अभी मैंने डाल दिया है। उसको अभी थोड़ा टाइम के लिए भुनना है, जब तक टमाटर का मतलब टमाटर का जो कच्चापन ना जाने तक, और जो मसाला का जो कच्चा स्मेल ना जाने तक उसको फ्राई करना है। और देखिए अभी अच्छे से फ्राई हो गया है मसाला, और उसके बाद ना जो मैंने सॉटे करके रखा था जो ये ना कॉलीफ्लावर, उसको अभी मैंने डाल दिया है। अभी उसको मतलब मसाले के साथ थोड़ा सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं। अभी देखिए आलू को ना मैंने छोटा छोटा पीस करके उसमें मिला दिया, और मतलब क्या है ना वो ऐसे ही फ्राई होके, और उसके बाद ना अभी मैं पानी डालूँगी ना, ये पानी में ना जो आलू बॉयल हो जाएगा, कुक हो जाएगा। देखिए आलू और गोभी मैंने दोनों को ही मिला रही हूँ, और देखिए उसके बाद ना मैंने थोड़ा सा मसाला डालूँगी, चिकन मसाला। देखिए अभी ना चिकन मसाला डालूँगी, मतलब चिकन मसाला 1 चम्मच डालूँगी। क्या है ना चिकन मसाला डालने से ना इसका स्वाद और अच्छा बढ़ जाएगा, अच्छा लगेगा। देखिए वही चिकन मसाले को ना मैंने गोभी के साथ अच्छे से मिला रही हूँ। देखिए साइड में मैंने पानी गर्म कर रही हूँ। अभी वही ना जो गर्म पानी को, और क्या है ना
उसमें आलू भी मैंने ऐड किया है, आलू मतलब छोटा छोटा पीस करके मैंने इसमें डाला है। और क्या है ना, जो गर्म पानी मैंने साइड में गर्म पानी कर रही थी तो वही गर्म पानी को मैंने अभी डाल दिया है। मतलब क्या है ना, गर्म पानी डालने से ना अच्छा स्वाद आता है और जो कुकिंग का जो प्रोसेस चलता है ना वो रुकता नहीं है। तो क्या है ना, जितना पानी मुझे चाहिए ना उतना पानी मैंने डाल दिया है। अभी इसको ढक दूंगी 10 मिनट तक, तो वो अच्छे से बॉयल हो जाएगा, कुक हो जाएगा, पक जाएगा। देखिए अभी इसको ढक दिया है, अभी वो देखिए अभी वो अच्छे से कुक हो गया है। अभी मैं थोड़ा सा चेक करूंगी आलू अच्छे से बॉयल हुआ कि नहीं, पक गया कि नहीं। देखिए आलू अच्छे से बॉयल हो गया है, पक गया है। और जो इसको तो मैंने फ्राई भी किया था ना जो गोभी को, तो गोभी भी अच्छे से पक गया है। तो अभी हो गया मेरा करी। देखिए लास्ट को क्या है ना, मैंने धनिया पत्ता कट करके रखा था, धनिया पत्ता लास्ट को मैंने डाल दिया। धनिया पत्ता डालने से ना अच्छा स्वाद आता है। देखिए अभी हो गया मेरा गोभी करी। Try to act like they all taught me, but nothing makes. देखिए गोभी का करी मेरा हो गया। अभी देखिए इधर मैंने आटा को गूंद रही हूँ और गूंदने के बाद ना इधर मैंने रोटी बना रही हूँ। देखिए बेटी क्या है ना, अकेली है तो इसलिए मेरे चारों तरफ वो घूम रही है, मैंने क्या कर रही हूँ वो देख रही है। तो मैं जो रोटी जो बना रही हूँ ना, तो वो मेरे पास आके ना खड़े होके देख रही है मामा क्या कर रही है। तो देखिए अभी मैं रोटी बना रही हूँ और रोटी बनाने के बाद ना अभी मैं सेक रही हूँ। तो आज का डिनर क्या है ना, जो गोभी करी और उसके साथ रोटी। हस्बैंड ऑफिस से आने के बाद ना हमारे घर के पास मतलब थोड़ा सा 100 जो मीटर दूर है मोर सुपरमार्केट है, हम उधर आए हैं थोड़ा सा कुछ सामान लेने के लिए, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा कुछ सामान लाने के लिए। देखिए और वो वाला एक लाओ ना उसके लिए। ये नहीं नहीं ए वाला ले आना। ये और एक ऑयल लेंगे हम। डॉग ऐसे टंग निकालती है। गुड। क्वेल स्क्वेरल। हस मंकी।
ऑक्स ऑक्स पिछले में क्या है क्या है डोंकी कैड एक बफालो माउस डियर गुड हमारे सबने दिया है ना इसको डियर बोलते हैं ओके इसको क्या होता है इसको रेंडर बोलते हैं रेंडर को कौन मारेगा कोई नहीं इसको पढ़ो ना पापा पिग ये क्या है बेबी पिग 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 ए क्या है ये क्या है बताओ क्या है मामा सीप गुड सीप और ए मैं इसमें से जेला पी सीप गुड सीप ए दमे रे ए गाइंडर रेंडर नहीं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये वाला पहले नंबर बता इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी नंबर को